सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फ्लावर के मेन कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक चाइना रोज है और हम डिस्कस करेंगे इस चाइना रोज के मेन कंपोनेंट्स के एक फ्लावर में क्या क्या होता है और एक फ्लावर में उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर के अंदर जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों, फ्लावर में मेन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये तो आपको पता ही है। इसकी पंखुड़ियां, इन्हें बोलते हैं हम पेटल्स। ये जो आपको नजर आ रही है, दीज आर द पेटल्स। ये रेड कलर की क्या है, फ्लावर की पेटल्स हैं, ठीक है। ये एक चाइना रोज है हमारे पास। इसके बाद फ्लावर का हमारे पास आता है सेकेंड कंपोनेंट पेटल के बाद, जो आपको ये नजर आ रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको नजर आ रहा है ऐसे निकला हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ग्रीन ग्रीन, इसे हम, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ग्रीन ग्रीन, इसे बोलते हैं सेपल, ठीक है। सेपल के बाद जो ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा है, दैट इज सेपल। इसके बाद जो ये बेस है फ्लावर का, इसे बोलते हैं रिसेप्टिकल। तो ये तो फ्लावर के सिंपल कंपोनेंट्स हुए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट्स के। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। तो फ्लावर में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट होता है और एक मेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट होता है। और ये जरूरी नहीं है कि सभी फ्लावर्स में हो, कुछ फ्लावर्स में सिर्फ आपको मेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट मिलेगा और कुछ फ्लावर्स में आपको सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट मिलेगा। लेकिन हमने जो फ्लावर लिया है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट भी और फीमेल भी। तो फ्लावर में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं कार्पल। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कार्पल। अब कार्पल के भी तीन हिस्से होते हैं बच्चों। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है कार्पल का, उसे बोलते हैं ओवरी। बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम स्टाइल। और जो सबसे टॉप में ये आपको रेड रेड कलर का नजर आ रहा है, सबसे टॉप वाला हिस्सा जो ये रेड कलर का है, ये इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये तो हुआ फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बात करते हैं फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो उसके लिए हमें थोड़ा और नजदीक जाना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो ये जो आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं स्टैमन। अब स्टैमन में दो कंपोनेंट होते हैं, देखो। एक तो है ये धागे से जो आपको नजर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं फिलामेंट। और ऊपर जो येलो येलो नजर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं एंथर, ठीक है। तो दो पोर्शन हुए, एक जो धागे जैसा पोर्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ऊपर जो येलो येलो है ये, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंथर। तो इस तरह से ये एक फ्लावर की बेसिक सी स्ट्रक्चर है। अगर आप अलग से इसको देखना चाहते हैं तो अलग से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक फ्लावर की अगर हम पेटल्स वगैरह सब रिमूव कर देते हैं तो कुछ ऐसा आपको नजर आने वाला है। और इसको अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस फ्लावर को, तो आपको साफ दिख रहा है दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल। और उसके बाद ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है आपको, ये रेड कलर का, ये है स्टिग्मा, ठीक है, क्लियर है। और उसके अलावा ये आपको नजर आ रहे हैं, ये फिलामेंट है। और ऊपर येलो येलो क्या है, ये एंथर। तो ये होता है एक बेसिक सा स्ट्रक्चर फ्लावर का। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो एंथर है हमारा, एंथर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो पोलन ग्रेन के अंदर बंद होती है। तो बाय एनी एजेंट, एयर के थ्रू या किसी दूसरे इंसेक्ट के थ्रू, किसी तितली के थ्रू या मधुमक्खी के थ्रू, जब कोई मधुमक्खी किसी फ्लावर पे बैठती है तो उससे इस एंथर में से पोलन ग्रेन्स उसके पैरों से चिपक जाते हैं। फिर वो मधुमक्खी जब दूसरे फ्लावर पे जाती है, तो जैसे वो दूसरे फ्लावर पे बैठती है तो उसके पैरों में जो एंथर से पोलन ग्रेन्स लग गए थे, वो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल, उसके स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। उसके बाद फर्दर जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, तो पोलन ग्रेन से फिर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सेल निकलती है, जो फर्दर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अंदर ओवरी तक जाती है, ठीक है। मतलब वो स्टिग्मा से क्रॉस होती हुई, स्टाइल से क्रॉस होती हुई ओवरी तक जाती है, ठीक है। और ओवरी में ओव्यूल के अंदर हमारे पास सेव होता है एग, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। तो उससे जब वो फ्यूज होता है तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है फ्लावर में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।